आज 10 अगस्त है, बलिया क्रांति की हम बात कर रहे हैं। श्री कुमार जी, जैसा देखा जा रहा है ये शहीद पार्क चौक है और चारों तरफ तो झालर बत्ती नगर पालिका की तरफ से लगाई गई है, लेकिन रंग रोपण क्यों नहीं हो पाया, जबकि इसके पहले आप लोग के दबाव में तिरंगे का कलर था ये शहीद पार्क चौक का, लेकिन इसकी स्थिति क्यों खराब हो गई? देखिए ऐसा है, आज 10 अगस्त है, 1942 में आज ही के दिन बलिया में क्रांति की शुरुआत हुई थी। सेनानी हम उमा शंकर कुमार जी और सूरज प्रसाद के नेतृत्व में। जहाँ तक शहीद पार्क की बात है तो निश्चित रूप से इसकी स्थिति बहुत दयनीय है। बार बार जिला प्रशासन से, नगर पालिका से इस बाबत कहा भी गया, रंग रोगन क्या ये बहुत जगह से उखड़ करके गिर रहा है। दूसरी चीज़ जो इसके किनारे किनारे ये दुकानें लग रही हैं, इस ऐतिहासिक स्थल की शोभा ही खत्म हो गई, इसकी मर्यादा ही नष्ट हो रही है, इस प्रकार से इसकी दुर्दशा हो रही है, यह बहुत ही चिंता की बात है और बलिया के लिए तो बहुत ही शर्म की बात है। नहीं तो ये जैसे आज 10 अगस्त है, आपने अभी सारे लोगों को यहाँ आमंत्रित किया है, सभी लोगों से आपने निवेदन किया है कि शोभा यात्रा निकलेगी जो नगर के प्रमुख जगहों तक पहुँचेगी, फिर आके शहीद पार्क चौक में समाप्त होगी। जहाँ तक क्रांति की बात है बलिया की, तो क्या सरकार ने, खास तौर पे वर्तमान सरकार ने बलिया क्रांति 1942 के लिए क्या किया है? अभी ये सरकार ने जो किया है वो चौरी चौरा को लेकर के, चौरी चौरा के 100 साल पूरे हो रहे हैं, इसके साथ ही आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। जहाँ तक 1942 बलिया की क्रांति की बात है, तो उसके अवसर पर सरकार की ओर से कोई कार्यक्रम नहीं आयोजित है। ये आज़ादी का 75वां साल है और चौरी चौरा कांड की शताब्दी समारोह सरकार की ओर से मनाया जा रहा है। नहीं, सवाल ये है कि कल अमृत महोत्सव था और बहुदेशी सभागार का इस्तेमाल किया गया, क्या 1942 के लिए 18 अगस्त और 19 अगस्त के लिए वो हाल का उपयोग नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन इस प्रकार की अभी कोई